सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा लोकेट करता है जेनाइटल ऑर्गन्स के पीछे, मीन्स जहाँ पे ब्लैडर होता है, जहाँ पे किडनी होती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट हमारे बॉडी में होता है, और इसीलिए ये चक्रा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्रा मूलाधार चक्रा के 2 इंच ऊपर होता है, और मूलाधार चक्रा के 2 इंच ऊपर होने के वजह से अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे एक सीड का एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे कोई भी एक सीड आप सॉइल में जर्मिनेट करते हो, उसको सॉइल में डालते हो, और वो डालने के बाद वो जब स्प्राउट होता है तो कुछ इंच ऊपर जाकर स्प्राउट होता है। वो सीड जो है उसमें पूरा ब्लूप्रिंट होता है उस पूरे पेड़ का। वो पेड़ किस चीज़ का होगा, उस पेड़ का हाइट कितना होगा, उस पेड़ में क्या क्या फ्रूट्स आएंगे, उसका कलर क्या होगा, ये पूरा ब्लूप्रिंट होता है मूलाधार चक्रा में, जैसे उस सीड में था। और जैसे ही वो सीड जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होने के बाद स्प्राउट अप होता है एक सर्टन हाइट तक, मतलब 1 या 2 इंच तक जाने के बाद ही वो स्प्राउट होता है। उसी तरीके से आपके पर्सनैलिटी का पूरा जो आइडिया है, ब्लूप्रिंट है, वो होता है मूलाधार चक्रा में, क्योंकि वहीं पे आपके सारे बिलीफ्स होते हैं, आप जिस तरीके से सोचते हो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। और जैसे ही आपकी एनर्जी मूलाधारा से ऊपर आती है वो सैक्रल चक्रा में जाकर पहुँचती है। वहाँ तक जाते वक्त वो जो एनर्जी है वो एक 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसीलिए उसको स्वादिष्टान चक्रा भी कहा जाता है। स्वादिष्टान को अगर आप स्प्लिट करोगे उसी को बोला जाता है स्व अधिष्ठान, मतलब आपका खुद का अधिष्ठान, मतलब आपके खुद के बिलीफ्स, ये जो है धीरे धीरे स्प्राउट अप होने लगते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बनना स्टार्ट होती है, वो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है बेसिक सैक्रल या स्वादिष्टान चक्रा का। लेकिन अगर इस चक्रा को और डिटेल में देखना है तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट देखेंगे कि अगर ये चक्रा अनबैलेंस हो गया, अनब्लॉक हो गया तो कैसे जानना है। देखो, मूलाधार चक्रा में आपका जो भी बेसिक है वो तो बन गया, आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है, आपके जो इंस्टिंक्ट है वो क्लियर है। लेकिन अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है कि आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी है जिसके वजह से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ रेडी है, तो भी अगर आप काम नहीं कर पाते, उस पर वर्क नहीं कर पाते, इसका मतलब आप कहीं दूसरी जगह पे एनर्जी लगाते हो और उसी को डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसीलिए ये एनर्जी अगर पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट होगी सैक्रल चक्रा की तो वो होगी क्रिएटिविटी के टाइप में, और अगर ये निगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो रही है तो वो होगी लस्ट के टाइप में। तो आपका पूरा जो प्रभुत्व है वो लस्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, वहाँ पे लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, और डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से आपकी एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट होगी और बाद में वो एनर्जी डाउन चली जाएगी। उसी को संस्कृत में अधोगति कहा जाता है। जो अधोगति है उसका मतलब है कि आपकी एनर्जी ऊपर थी, सैक्रल तक आई थी, अभी वो रिटर्न जा रही है मूलाधारा तक, उसी को अधोगति कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है कि आप काम तो करना चाहते हो, सब कुछ रेडी है, लेकिन आप एक्चुअल में जो हम काम करते हैं वो नहीं कर पाते, मतलब आपका जो सैक्रल चक्रा है वो ब्लॉक है, तो बात आती फिर सैक्रल चक्रा को अनब्लॉक कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि यही से तो आपकी जर्नी स्पिरिचुअल से मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाती है, मतलब एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में आप कुछ कर पाते हो। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सैक्रल चक्रा के ऊपर पूरा मटेरियल वर्ल्ड की जर्नी होती है, लेकिन यहाँ से वो स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एफर्मेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। कौन से एफर्मेशंस,
ऐसे अफर्मेशन जिसके वजह से आपके अंदर क्रिएटिविटी आ सकती है। तो आपको अफर्मेशन में वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो चीज़ें पॉजिटिव क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाए। आपकी क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो वो बहुत ही क्रिएटिवली कर रहे हो, कुछ हट के कर रहे हो, दूसरों से अलग कर रहे हो। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आपने अर्ली मॉर्निंग खुद को दिए तो आपका जो चक्रा जो ब्लॉक हो चुका है वो अनब्लॉक होना स्टार्ट हो सकता है। और दूसरा सॉल्यूशन इसके ऊपर ये है कि आपको मेडिटेशन करना है। फिर किस चीज़ पे मेडिटेशन करना है, आपको आंखें बंद करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं तो आपको जो भी चीज़ पसंद है, जो क्रिएटिविटी आप जिस चीज़ में दिखाना चाहते हो, अगर उसमें आप इतना बिजी हो जाओ, आप जब काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, फोकस हो जाते हो, तो वो काम अपने आप एक मेडिटेशन हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए और उसका स्टार्टिंग स्टेज है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। थर्ड चीज़ यहाँ पे ये होता है कि आप योगा कर सकते हो, लेकिन अभी आपको योगा कैसे करना है, तो योगा में सिंपल आप सन सैल्यूटेशन करो। सन सैल्यूटेशन इतना करो कि आपको लगे कि अभी मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, अभी मुझे रुकना चाहिए। इसको कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप जो भी काम करोगे, जो भी योगा करोगे, वो उतना करो कि आपको लगेगा कि मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, और तब आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। तो मेडिटेशन में आपको क्या करना है, जस्ट आंखें बंद करके बैठो, जो भी थॉट्स आ रहे उसको आने दो, जो भी थॉट जा रहे उसको जाने दो, आपको उसको अटैच नहीं करना है खुद से। मेरे वीडियोस में मैं हमेशा दो चीज़ें बताता हूँ, एक है आपका इनर वर्ल्ड, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है आउटर वर्ल्ड के बारे में, क्या किया जाए कि आपका जो चक्रा है जो अनब्लॉक करना है उसके लिए और हेल्प मिल सके। आउटर वर्ल्ड में हमेशा तीन चीज़ें होती है, व्यक्ति, वस्तु एंड परिस्थिति। तो इसमें आपको सारी चीज़ों को चेंज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों को चेंज करना है, आप जिन लोगों में रहते हो कुछ दिन के लिए उन लोगों को चेंज कर दो, मतलब दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे क्रिएटिविटी हो, लोग कुछ क्रिएटिव काम करते हो, ऐसी जगह पे अगर आप शिफ्ट हो गए तो अपने आप आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आने लगेगी और आपका जो लस्ट ओरिएंटेड जो डाइवर्जन हुआ था वो अपने आप क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब क्रिएटिव काम करने लगोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा उससे ज़्यादा हैप्पीनेस इधर मिलता है, क्योंकि आप जब कुछ क्रिएटिव करते हो तो लोग उसे पसंद करते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलता है, इसलिए आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये था ऑल अबाउट स्वादिष्टान चक्र। तो मेरे चैनल नितीश यूनिवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू एंड बाय।